पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार रात को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकांश ईवीएम में पहले से ही अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग की हुई थी। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से सच उजागर करने के लिए तथ्यान्वेषी टीम बनाने का अनुरोध भी किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा, हम कांग्रेस से इस बारे में बात कर चुके हैं, जरूरत पड़ी तो हम अदालत जाएंगे और इस चुनावी धांधली को चुनौती देंगे। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि भाजपा के नेता चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही लगभग वास्तविक आंकड़ों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। वे वैसे कह रहे थे कि देश में उन्हें 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बंगाल में 23। अंतिम परिणाम उनके आकलन के करीब ही थे। बनर्जी ने एक बंगाल समाचार चैनल को इंटरव्यू में दावा किया है कि बनर्जी ने वाम दलों के समर्थनों से ही भाजपा में शामिल होने से बचने को कहा। उन्होंने भाजपा पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बड़ी राशि खर्च कराने का आरोप भी लगाया है और कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने इस संबंध में चुनाव आयोग को कई शिकायतें दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने न केवल धन शक्ति का उपयोग किया है बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी दलों के खिलाफ सभी सरकारी एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि 2014 के आम चुनाव की तुलना में 2019 में टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2014 में पार्टी को 34 सीटें मिली थी जबकि इस बार उसे सिर्फ 22 सीटें ही हासिल हुई है। भाजपा ने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटें हासिल की है, वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।